अरे राहुल, क्या तुम्हें पता है स्कूल में सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऐसा क्यों? आगे सारे स्कूलों में ही क्यों? क्योंकि स्कूलों में ही सभी तक अच्छे से जानकारी पहुंचाई जा सकती है, जिससे हम सभी बच्चों के मन में पूरी जिंदगी की सफाई के बाद आंकड़ रहेगी और हम औरों को भी सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। हाँ राहुल, हाँ अमित सही कह रहा है। अब हमारे देश में भी सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी कई कलेक्टर ने देश को स्वच्छ सुंदर बनाने का निर्णय लिए है और सभी को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और खुद भी करके प्रेरणा दे रहे हैं। अरे सुनो तो, आज तो टीचर के क्लास में पूरे कक्षा से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में बताई थी और तो और उनसे होने वाली परेशानियों को दूर करने का उपाय भी बताई थी। उस तो ताकि हमें अपने आसपास के लोगों को कचरे के बारे में तथा उससे होने वाली समस्याओं के बारे में शिक्षित करने का उपाय सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी बात कर रही कह रहे हो। आज जब मैं घर से स्कूल के लिए निकला ही था, तभी छत वाली आंटी ने छत से पार्टी भर कर कचरा मुख्य पुष्करण की धोती पर गिराया और मैं बार बार ही बचा। वहां पहले से ही कुछ और गंदा पड़ा हुआ था और मैं कहते कहते अपनी नाक को सहक कर आगे निकल गया और अपने स्कूल बस में बैठ गया। और रास्ते में मुझे एक बड़ा कचरे का पहाड़ दिखाई पड़ा और उसे देखकर मैं परेशान हो गया कि आखिरकार इस कचरे की समस्या का क्या समाधान है और रास्ते पर यही सोचता रहा। चलो चलो, जन समाप्त हो गया, क्लास में चलकर टीचर से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों बताओ, आज मैं क्या बताने वाली थी? कचरे की होने वाली समस्या है और इसका समाधान। वेरी गुड राहुल। बच्चों, क्या आज कभी तुम पता है कि दिल्ली तथा नोएडा जैसे शहर में क्रमशः प्रतिदिन लगभग 9,000 तथा 3,000 मेट्रिक टन कचरा निकलता है और पूरे देश में 1.6 लाख मेट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। मैम, ये इतना सारा कचरा कौन फेंकता है और ये कहाँ जाता है? सभी करते हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 200 से 600 ग्राम तक कचरा पैदा करता है। स्कूलों से भी कागज, चिप्स के रैपर, प्लास्टिक की बोतल और स्टेशनरी वेस्ट निकलता है। ये कचरा बिना अलग किए ही डंपिंग ग्राउंड तक भेजा जाता है और इस सारे कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने का खर्चा करोड़ों में आता है तथा इससे हवा और पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पानी